तो आज हम देखेंगे कि हम किस तरह किसी भी टेक्स्ट को किस तरह किसी भी शर्ट के ऊपर या फिर किसी भी कपड़े के पीस के ऊपर किस तरह ब्लेंड कर सकते हैं, किस तरह रियलिस्टिक बना सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपके पास ये कोई सा भी, अगर आपके पास शर्ट है या फिर कोई भी कपड़े का पीस है, आप उसको ओपन कर लीजिए। जैसे मेरे फोटोशॉप पे ओपन है, ठीक है, और मैं इसका एक डुप्लीकेट लेयर बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ एंड डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसकी न्यू लेयर बनानी है। ओके, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू लेयर पे क्लिक कर देना है आपको, और इसका नेम आपने डीसेचुरेटेड रख लेना है, क्योंकि हम इसमें इसको डीसेचुरेट करने लगे हैं। डीसेचुरेटेड, ओके, एंड क्लिक ओके। अब आप देख सकते हैं हमारे पास एक नई लेयर बन चुकी है। अब हमने इसको डीसेचुरेट करना है। आप सिंपली कंट्रोल शिफ्ट यू प्रेस करके भी डीसेचुरेट कर सकते हैं, या फिर इमेज में जाके इमेज और यहाँ पे एडजस्टमेंट और यहाँ पे डीसेचुरेट कर सकते हैं। ओके, इस पे गाशियन ब्लर लगा देना है आपको। ओके, फिल्टर में जाना है आपको और यहाँ पे ब्लर एंड गाशियन ब्लर। ओके, इतना गाशियन ब्लर लगाना है कि आपको इसका फैब्रिक टेक्सचर जो है, जो आपको नज़र आ रहा है, ओके, मैं इसको जूम कर लेता हूँ, जो आपको फैब्रिक टेक्सचर नज़र आ रहा है ये नहीं नज़र आना चाहिए। आप इसको आगे बढ़ाते जाएँ, जब आपको ये फैब्रिक टेक्सचर नज़र आना बंद हो जाए, आप वहाँ पे स्टॉप कर दें। आई थिंक 4 इज़ ओके, इस केस के लिए 4 सही है। ओके, अब आपको इस फाइल को PSD फॉर्मेट में अपनी डेस्कटॉप पे सेव कर लेना है। ओके, मैं इसको सेव कर लेता हूँ अपनी डेस्कटॉप पे, और ओके हो गया। और फिर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। आपने इसके ऊपर आ जाना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे कोई सा भी टेक्स्ट लिखना है। अगर आपके पास टेक्स्ट पड़ा है PNG फॉर्म में, आप वो प्लेस कर सकते हैं। नहीं तो मैं इसे यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेता हूँ, परफेक्ट स्किल्स। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, बहुत छोटा है ये। ठीक है, ओके। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेना है। ओके, यहाँ से आपने जाना है और यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में आपने कन्वर्ट कर लेना है। ओके, उसके बाद आपने इसको डिस्प्लेस कर देना है। ठीक है, जो आपने PSD फॉर्मेट में फाइल सेव की थी उसके साथ इसको डिस्प्लेस करना है। हमने जाना है फिल्टर में, डिस्टॉर्ट एंड डिस्प्लेस। ओके, यहाँ पे आप ट्रायल के लिए 10 भी रख सकते हैं वैल्यू, और 15 भी कर सकते हैं। मैं 15 के साथ जाऊँगा। ओके, एंड क्लिक ओके, एंड क्लिक, और इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, अब इससे क्या फ़र्क पड़ा है टेक्स्ट पे, आप देख सकते हो। ठीक है, आप देख रहे होगे यहाँ पे हमारा टेक्स्ट पहले सॉलिड ऐसा था, उसके बाद ये थोड़ा बहुत इसने हमारे ये फैब्रिक टेक्सचर के साथ इसको मिला दिया है। ओके, डन। उसके बाद आपको क्या करना है, बहुत इजी और सिंपल स्टेप रह गया हमारा। ओके, डबल क्लिक ऑन दिस लेयर, इस लेयर पे आपने डबल क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपके पास ब्लेंडिंग ऑप्शन सिलेक्टेड है। ओके, हम यहाँ पे इसको ब्लेंड करने वाले हैं। ठीक है, और इसके लिए आपको लास्ट पे ये लेयर्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इस पे आ जाना है। देन आपको क्या करना है, आपने इस पे गौर करना है, यहाँ से इसको मूव करना है। ओके, फ्रॉम लेफ्ट साइड मूव। जैसे ही आपको नज़र आए कि आप यहाँ पे स्मॉल डॉट्स आपको नज़र आने लग पड़े, जैसे ये दिखें, ओके, आपने वहाँ पे रुक जाना है और फिर इसके ऊपर ला के ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करना है। ओके, और ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। तो फिर आपको यहाँ पे जूम आउट कर लेता हूँ मैं, और इसको पकड़ के राइट वाले को आगे ले जाना है। एंड यू कैन सी, ओके, डन, वाओ, ग्रेट, यू कैन सी फैब्रिक टेक्सचर एंड एवरीथिंग। दिस इज़ द रियलिस्टिक वे, रियल वे टू ब्लेंड एनी टेक्स्ट ऑन क्लॉथ। ओके, तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यार प्लीज़ इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।